अकाल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ ना यार, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे मेरे बार के मैं जाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, नहीं भर रहा है मुझे बैठा, अरे नहीं भर रहा है मुझे बैठा, अरे तुम कौन भगा रहे हो, अरे हम तो आम जनता के साथ मेरा मेरा घर तो है, मेरा मेरा साथ भी बहुत है, अच्छा आपका मन कमाता, अच्छा तो मैं मोदी जी, मोदी जी का क्या है, मोदी जी सफेद दाढ़ी वाला, वो सफेद दाढ़ी वाला बुच्चा, वो आराम से भाई आराम से, वो सफेद दाढ़ी वाला बुच्चा, हाँ रोज मेरा सपने में आता है, इधर 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 रोज मेरा सपने में आता है, कौन 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 सफेद दाढ़ी, वो ये इधर यहाँ यहाँ पे इतना में उसका पोस्टर लगा था, हाँ हाँ इतना में पोस्टर लगा था उसका, हाँ सपने में आके क्या बोलता है, सपने में आके मेरे को बोलता है, हाँ क्या बोलता है, तू मेरे से दोस्ती कर, नहीं तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा पैदल मत घूम, तो मैं 150 रुपए पेट्रोल करूंगा, 150 रुपए लीटर करूंगा, 150 रुपए लीटर करूंगा बोले, अरे वो मेरे को नहीं नितिन जी राउत इनके मार्गदर्शन में हमारे नेता कुणाल जी राउत इनके नेतृत्व में आज वैशाली नगर कमाल चौक एरिया में ये पेट्रोल पंप पे प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मोदी जी ने देश में होने वाली जो महंगाई है उसके खिलाफ में हम यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और माननीय नितिन जी राउत कुणाल दादा राउत इनके नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। आज देखे एक भाई जो गाड़ी पैदल घिसते हुए लेके जा रहे थे, आज ऐसे भाई ने उनका कहना यह आया जो 600 रुपए 700 रुपए मुझे हफ्ता में कमाता हूँ, अगर 100 रुपए का मैं पेट्रोल डालूंगा बाकी के 600 रुपए मैं 100 रुपए रोज के हिसाब से 700 रुपए रोज का मेरे को पेट्रोल लग रहा है, आज 700 रुपए हफ्ता में मैं पेट्रोल चलाऊँ तो मैं अपना घर दर चलाऊँ। आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रूप से हमारे लोग खड़े हैं, मैं मुन्ना पटेल जी को बोलना चाहूँगा कि आज भी इस महंगाई के बारे में आप बताइए। मुन्ना पटेल जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए आप। मुन्ना पटेल। आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पर, क्या मकसद से आए यहाँ पर? महंगाई हो गई है, लोग का जीना हराम हो गया है। पेट्रोल पहले कांग्रेस के राज में 60 रुपए महंगा लगता था, आज 100 रुपए के पार हो गया, 200 रुपए सस्ता लगता है। महंगाई इतनी बढ़ गई, खाने का तेल 150-200 रुपए किलो हो गया है, खाने का तेल की जगह पानी ही यूज कर रही है। मोदी जी तो सबसे सामान्य है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई करके? मोदी जी घूमे एसी में रह रहे ना, रोड पे आए तो समझ में आए, रोड पे आइए तो समझ में आएगा कि बसों की परिस्थिति क्या है, बसों की परेशानी क्या है, बच्चे कैसे भूखे मर रही है, उनको काम धंधा नहीं है। सरकार ने आपकी मांग क्या है, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए, बाकी यहाँ पर दिन भर पेट्रोल की रेट बढ़ती जा रहा है, महंगाई कम नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आपकी रणनीति क्या है? और भी अभी छोटे से आंदोलन से बड़े बड़े आंदोलन होंगे, रोड पे पब्लिक आएगी, अभी महंगाई इतनी हो गई है धन्यवाद तत्काल न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। पेट्रोल डालना पड़ रहा है, मोदी के नाम पर पेट्रोल दे दो बाबा,
मोदी के नाम पर पेट्रोल दे दो बाबा, आप इतने अच्छे करते हो, आप ठीक मांग रहे, आपको शर्म नहीं आ रही? क्यों ना मांग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से की मांग से चला रहे हैं, तो आप क्यों ना मांग रहे हो? रोजगार बेरोजगार हो गया है, ये क्यों ना मांग रहे? पकड़े चल रहा भाई, बताइए प्रधानमंत्री ने कब भी मांग दिया अपने देश के लिए? ये तो बताइए, आप थोड़ा लेके बेटी को मांग रहे हो, पूरा देश बेच रहे हैं, आप देश बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं, मुझे ये पार कर जाएगा रेलवे सब बिल और अरे वारे मोदी तेरा खेल, वारे मोदी तेरा खेल। अभी आप यहाँ पर क्यों सत्ता जमा हुए, क्या बात है? आज जिस प्रकार से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बढ़ता पेट्रोल, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आज पूरा देश के युवा सब परेशान है। बाकी मोदी जी ने तो वादा किया था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो फिर आप नौकरी की बात कैसे कर रहे हैं? मोदी जी ने सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां देने की बात नहीं कही थी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उन्होंने जितने वादे किए थे आज पूरा वादे में हो गए, चाहे वो 15 लाख का वादा हो, 2 करोड़ का वादा हो, और ये महंगाई कम करने की बात हो, अच्छे दिन लाने की बात हो, सब तरीके से फेल हुआ। सरकार ने एक भी वादा अपना पूरा नहीं हुआ है, आज किसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, जिस तरीके से महंगाई आज दिनों दिन बढ़ रही है, और ये सिर्फ अदानी अंबानी की सरकार है, अदानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो चुनिंदा व्यक्ति लोग हैं उनको भी फायदा पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अच्छे दिन तो आ गए, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन नहीं है? आप अच्छे दिन के बारे में बात ये तो आप बोल रहे हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, आम जनता हुआ देश का कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है कि मेरे अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए होंगे तो जैसे मैंने कहा ये अदानी अंबानी की सरकार है, उन्हीं कुछ लोगों के अच्छे दिन आए हैं, बाकी किसी के अच्छे दिन आए नहीं। क्या बोले, मोदी के अच्छे दिन दिख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है मोदी वाला। आपका नाम बताइए। आम जनता का तो फायदा हो रहा है ना इसके अंदर, क्या फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है भाई, के प्रवक्ता तो बता रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है उसका वाला, कुछ भी नहीं हो रहा। सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, 900 रुपए है सिलेंडर, जो हम लेडी महिलाएं घर चलाती है तो हमको बता रहे थे किस तरीके से घर चलाया जाता है। आज आप देख सकते हैं तेल कितना महंगा हो चुका है, और हर एक चीज ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो महंगा नहीं होगा, हर चीज महंगा हो चुका है। और मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से चूड़ी जो है उसको पहन लेना चाहिए। मोदी सरकार की है जो है जो जो पेट्रोल की कीमत होना चाहिए था, आज पाकिस्तान ने पाकिस्तान देश की बातें बातें करते तो पाकिस्तान ने आज 65 रुपये लीटर तेल कर दिया, जिसमें किसान भाइयों को वो मदद हो करके उसके कारण उसने 35 रुपये अपना रेट कम किया है, लेकिन मोदी सरकार पाकिस्तान करते रहता और लेकिन ना तेल की कम कीमत कम कर रहे हैं, खाने का तेल 200 रुपये किलो, दाल कम से कम 200 रुपये किलो हो गई है, हर चीज़ की महंगाई हो गई है, यानी GST में अभी दिखावे के लिए कल से जो करोना उसके इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो एसेसरीज है उसके ऊपर उन्होंने GST कम किए, लेकिन वो चीज़ पहली और दूसरी लहर में कम करते तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता, और जो करोना काल में यूपी बिहार और महाराष्ट्र में जो मोदी सरकार के वजह से जो चलते लापरवाही की वजह से जो बंगाल के चुनाव में उसने चलते अपना टाइम दिया और वो यहाँ पे करोना के विषय पर ध्यान ना देते हैं, उन्होंने जो मौत जिम्मेदार है उनके ऊपर 300 का गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसी युवा कांग्रेस मांगनी करती है। बाकी आप बोल रहे हैं कि वैक्सीन के ऊपर जो टैक्स GST लगा दिया, अभी मोदी जी ने तो वादा किया था कि वैक्सीन सबको फ्री में दी जाएगी, आपको मिलेगा, हम जो है हमको तो हमारे फॉर्म हमने अप्लाई किया लेकिन अभी तक हमें आपको वैक्सीन की डेट नहीं मिली है। सेम मोदी सरकार, सेम मोदी सरकार नरेंद्र मोदी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। आज जिस तरीके से आपने ये अनोखा आंदोलन देखा, आज जैसा हमारी महिला ने बताई, जो पेट्रोल, जो बेरोजगारी, आज मोदी जी ने कहा था साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज मोदी जी ने अपने खोखले वादे पूरे नहीं किए, आपने कहा था 15-15 लाख रुपए खातों में डालेंगे, आपने फिर खोखले वादे पूरे नहीं किए, आज जो कांग्रेस
कांग्रेस के वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब सिलेंडर 350 रुपए में मिलता था, आज वही सिलेंडर आज 900 रुपए पार हो गया है। आज पेट्रोल डीजल के जो रेट कांग्रेस पार्टी के वक्त पेट्रोल डीजल के जो रेट थे, पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए लीटर में मिलता था, आज यही बीजेपी की सरकार में आज 100 पार हो गया है। आज डीजल का रेट, आज मुझे बताइए आम जनता क्या करे, आज महंगाई इतनी बढ़ा दी है। आज जो सरसों का मोदी जी बोलते हैं पकौड़े के कारोबार लगाए, जब तेल ही इन्होंने डबल सेंचुरी पार हो गया तो कहां से ठेले और दुकानें लगाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, आज हमारे कुणाल दादा राउत के नेतृत्व में आज ये तमाम लोग जो यहाँ पे झंडे लेके और बैनर लेके खड़े हैं, ये तमाम के परिवार से पूछिए, आज देश की जनता से पूछिए जो महंगाई बढ़ चुकी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, आज हमारे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी आज बहुत बड़ी तादाद में फैली हुई थी। यहाँ पे तमाम लोग कई लोगों के घर वाले शहीद हो गए, कई लोगों के घर वाले मर गए। आज ऐसे वक्त में मोदी जी ये पेट्रोल डीजल गैस तेल इनके दाम ना बढ़ाते हुए आज कम से कम जिस परिवार के लोग मरे हैं उन परिवार के लोगों को आज केंद्र सरकार के माध्यम से, आज हमारी भले राज्य सरकार हमारे महाराष्ट्र में राज्य सरकार के माध्यम से आज ऐसे लोगों को कम से कम इनके घर में आज कुछ पूंजी से इनकी मदद की जाए। और रही आज हम मोदी जी से एक विनती, हमारे देश के जो पंत प्रधान है, हम युवा कांग्रेस के माध्यम से आपकी मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या देश में जो कोरोना जो काल अभी आया है, ऐसे वक्त में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे जाए, रसोई गैस के काम तेल के काम दाम कम किए जाए। बस यही हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं, अगर ये दाम कम नहीं होते हैं, ये दाम अगर कम नहीं होते हैं, हम फिर रोडों पे आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अन्य से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे